पिछली बार हम लोगों ने जो मार्किंग की थी वो RLVP तक और कोलोकेटिव प्रॉपर्टीज़ तक कर ली थी। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं मार्किंग की, ठीक है? चलो, तो देखो, सबसे पहली चीज़ आपसे ये पूछी जाएगी, वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या होता है, मतलब डिफाइन करो, है ना? तो ऐसे केस में ये जो आपको लाइन लिखी हुई है कि अगर ये कोई लिक्विड क्लोज कंटेनर में है तो वो अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको हम पहले तो वेपर प्रेशर कहते हैं। खैर, तो ये जो पहली लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक ये लिख के दी हुई है, ये जो ब्लू कलर की तुमको मार्किंग दिख रही है, ये सबसे पहले तो क्वेश्चन बना लो, किस चीज़ का क्वेश्चन है ये? डिफाइन वेपर प्रेशर, ठीक है? डिफाइन वेपर प्रेशर। आई थिंक इससे पहले भी मैंने वेपर प्रेशर मार्क करवाया था और शायद मैंने उसको अपने वर्ड्स में लिखवा दिया था, जो भी हो। तो अगर वैसा है तो ये वाला लिखना, क्योंकि टेक्स्ट बुक का ही है और ज़्यादा बेटर है। ओके, अब लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है, और जैसे कि तुमने अभी तक इतना पढ़ा, मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट हर वीडियो में देखो एक वेंट ऑफ फैक्टर आई वाला कंसेप्ट बताया, जिसके बारे में मैंने एक छोटा सा आई थिंक शॉर्ट सा बहुत ही कंसेप्ट भी बताया था कि आई की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि आपकी सॉल्यूट कैसा है, यानी कि वो NaCl के जैसे डिसोशिएट होके दो पार्टिकल्स बना सकता है, कि एसिटिक एसिड के जैसे एसोशिएट होके दो पार्टिकल्स को एक पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर ग्लूकोज के जैसे टूटेगा ही नहीं, ना जुड़ेगा ना टूटेगा, राइट? तो हम लोगों की जो 12th बोर्ड्स की कहानी है, राइट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की पूरी किस प्रकार के सॉल्यूट के अराउंड रिवॉल्व करती है, पहली बात तो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, और दूसरा मतलब वो नॉन आयोनाइजेबल भी होना चाहिए, यानी कि वो ना तो ब्रेक डाउन होना चाहिए और ना ही जुड़ने वाला होना चाहिए, मतलब ना तो डाइमर बनाए ना ट्राइमर बनाए, ग्लूकोज के जैसा, फ्रुक्टोज के जैसा, सुक्रोज के जैसा, इस टाइप के जो ना एसोशिएट होते हैं ना डिसोशिएट होते हैं, बराबर? अच्छा, तो ऐसे केस में जब आप एक नॉन वोलेटाइल नॉन आयनाइजेबल सॉलिड को डिसॉल्व करते हो एक सॉल्वेंट के अंदर, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपेयर में क्या हो जाता है? कम हो जाता है, बराबर? सॉल्वेंट की अपेक्षा उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस पर हम लोग वैसे गहन चर्चा कर चुके हैं कि वो कम होता है, कैसे कम होता है, बराबर? बट कम हो जाता है हम ये जानते हैं, फुल स्टॉप डालना और उसके बाद लिखना दिस इज नोन एज LVP, यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये जो मैंने अभी मार्किंग कराई है, यहाँ से क्या क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा? डिफाइन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को आप डिफाइन करिए, तो डिफाइन कर लोगे, ठीक है, खत्म। अच्छा, ऊपर वाला सिर्फ वेपर प्रेशर को डिफाइन कर रहा है, ये नीचे वाला लोअरिंग को डिफाइन कर रहा है, और ध्यान रखना एक डिफाइन और होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव को भी हम आगे मार्क करेंगे। खैर, अभी सिर्फ लोअरिंग को मार्क किया, और जब लोअरिंग को मार्क कर रहे होगे तो ये वाला फॉर्मूला लिखना मत भूलना। हाँ, इस फॉर्मूले में मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, जैसे तुम्हें शायद याद होगा कि हम लोग जब नोट्स कॉपी में बनाए थे तो हमने क्या लिखा था, पी नॉट किस चीज़ का वेपर प्रेशर होता है? सॉल्वेंट का। तो वहाँ पे यहाँ पे लिखना पी नॉट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वन लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइनस PS कर देना इसको, जहाँ पे PS इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ख़त्म, सॉल्यूशन, और डेल्टा P उन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब इस डेफिनेशन के साथ ये दोनों कंसेप्ट को ज़रूर क्लब करिएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ? जैसे कि देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये खुद एक क्वेश्चन बन गया। अब कैसा है, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली खुद टेक्स्ट बुक वाले ने पूछ लिया। अगर मैं एग्जामिनर होती तो मैं इस क्वेश्चन को इतना डायरेक्टली नहीं पूछती, मैं कुछ इस तरीके से पूछती कि आई हैव अ प्योर सॉल्वेंट एक्स, ठीक है, हैविंग अ वेपर प्रेशर ऑफ समथिंग वैल्यू, कुछ दे देती, फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं लिखती कि मैंने इतना ग्राम ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड उस सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया,
मतलब मैं डायरेक्टली नहीं बताती कि मैं नॉन वोलेटाइल नॉन आयोनाइजेबल सॉल्यूट डाल रही हूँ, मैं उसके बदले कुछ नाम दे देती, लाइक शक्कर है ना, लाइक सुक्रोज, ऐसा कुछ दे देती, ताकि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो समझ जाता कि अच्छा सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल और नॉन आयोनाइजेबल सॉल्यूट डाला गया है। फिर मैं ये पूछती, व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो हम मैम जवाब क्या देते कि इट विल डिक्रीज। कितनी होगी ये तो बिना कैलकुलेशन के नहीं निकाला जा सकता, बट कमेंट अगर करना है कि इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी या कोई चेंज नहीं होगा तो कैसे कमेंट करेंगे, इट विल डिक्रीज। फिर उसके बाद मैं तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती, व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू यू विल लोअर डाउन या फिर इंक्रीज अप, तो तुम्हें फिर समझाना पड़ता, ठीक है। तो अब देखो जो समझाने वाला काम है वो अपन को बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है बिना किसी माथा पच्ची के, तो हमको एग्जैक्टली उसी भाषा में अपने पॉइंट्स बोर्ड पेपर में भी लिखने हैं। कैसे, पहला तो ये लिखा हुआ है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने वेपर्स बन रहे हैं, जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतने ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, और वेपर्स कब बनते हैं, जब लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, है ना। अच्छा तो यही देखो लिखी हुई है भाषा की, वेपर प्रेशर इस बात पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस से कितने आसानी से जा पा रहे हैं, तो दिस विल बी योर पॉइंट नंबर वन, ठीक है। चलो अब आगे, अब उसके बाद जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो यानी कि यहाँ से लेकर, ठीक है, आपके यहाँ तक, तो कुछ सरफेस जो है वो कौन कवर कर लेते हैं, नॉन वोलेटाइल वाले भी कवर अप कर लेते हैं, पॉइंट नंबर टू। तो अब क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है तो ये तो खुद तो इवेपोरेट होंगे नहीं, ऊपर से सरफेस को भी ऑक्यूपाई करके रखा है, तो इसकी वजह से जो नेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले इवेपोरेट हो रहे थे, ठीक है, पहले वेपराइज हो रहे थे उस सरफेस से, वो कम हो जाएंगे। यानी कि नॉन वोलेटाइल डालने से पहले अगर 100 लोग हो रहे थे तो अब से कितने हो रहे होंगे, 60। अगर पार्टिकल्स कम इवेपोरेट होंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि आप लोगों का जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 पॉइंट्स में ये तुम्हारा आंसर ख़त्म होता है। तो देखो अभी मैं कुछ समझा नहीं रही हूँ, अभी मैं तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मार्किंग करा रही हूँ। समझाने वाला पूरा काम तो हम लोग ऑलरेडी भूतकाल में इससे पहले ही कर चुके हैं, हाँ, बट मार्किंग करते करते अगर थोड़ा बहुत समझता जाए तो क्या बुराई है भाई, है ना। चलो आगे आओ, फिर नेक्स्ट थिंग इज राउल्स लॉ। राउल्स लॉ हो गया तुम्हारी ज़िंदगी में, अच्छा, राउल्स लॉ की स्टेटमेंट अति आवश्यक होती है। आई थिंक इससे पहले हमने राउल्स लॉ मार्क कर लिया था ना, हाँ किया था, बट उस दिन हमने जो राउल्स लॉ मार्क किया था उसमें दोनों वोलेटाइल थे, ए और बी। यहाँ पे देखो वो क्या बोल रहा है कि राउल्स लॉ का एक्सप्रेशन लिखिए अगर आपका कंपोनेंट एक नॉन वोलेटाइल है। तो मैंने लास्ट टाइम भी तुमको बताया है कि नॉन वोलेटाइल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, सिंपली नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है उसका पी नॉट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। आप उसका पी नॉट भी ज़ीरो डाल दो और लिख दो फार्मूला। तो इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द राउल्स लॉ ऑफ कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना, ऐसा भी आ सकता है कि राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर राउल्स लॉ फॉर सोल्यूशंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ऐसा आ गया, फिर क्या करोगे। तो ऐसे में उसमें कोई घबराना नहीं है, जो हमने पुराने दिनों में राउल्स लॉ की मार्किंग करके रखी हुई है ना तुम लोगों ने, हाँ बस उसी राउल्स लॉ के पास जाने का, पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना, ठीक है, उसके बाद ये जैसा मैंने मार्क करवाया था ना ये पूरा लिखना। अच्छा बस फ़र्क इतना करना कि यहाँ पे देखो लिखा है टू वोलेटाइल लिक्विड्स, तो तुम ये जो वर्ड है टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी, इसकी जगह बस ये लिख देना कि लिक्विड ए इज़ वोलेटाइल एंड लिक्विड बी इज़ नॉन वोलेटाइल, क्योंकि इस बार हम एक को नॉन वोलेटाइल बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर चेंज क्या करोगे, फिर चेंज ये करना कि हियर पी बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये क्वान्टिटी इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा लिख देना नॉन वोलेटाइल के केस में, क्यों, रीज़न देना बिकॉज बी इज़ नॉन वोलेटाइल। और अगर ये वाली क्वांटिटी तुम्हारी ज़ीरो है तो फिर ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, बस ज़ीरो पुट करते जाना और अपना एक्सप्रेशन लिख के दे आना पेपर में, खत्म कहानी, ठीक है।
या तो तुम पूरा का पूरा पहले राउल्ट्स लॉ लिख देना, या फिर उसके बाद ये लिख देना कि इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल लेट द बी कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल देन पी नॉट बी इक्वल टू जीरो, और जहाँ जहाँ पी वी पी भी दिख रहा है वहाँ हर जगह जीरो पुट करके वो एक्सप्रेशन वापस से रीराइट कर देना। तो ये इस तरीके से लिख रहा है ये आंसर, ठीक है। ये मैं मार्क नहीं करा रही हूँ, ये तुम लोगों के लिखने के लिए है, डन। अच्छा, या फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। देखो, जब दोनों वोलेटाइल होते हैं तो दोनों लोगों के ग्राफ कुछ इस तरीके के बनते हैं, है ना, एक ए के लिए एक बी के लिए। आप दूसरा वाला तो क्योंकि नॉन वोलेटाइल है तो उसके ग्राफ की तो बातचीत करना ही मतलब बेवकूफ़ी है। तो ऐसे में कल को क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिस्कस या फिर ड्रॉ द में क्या आएगा, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब वोलेटाइल के लिए देखो सबको पता होता है कि दोनों तरफ से एक एक सीधी सीधी डंडी खींच देना है, लेकिन नॉन वोलेटाइल में सिर्फ एक ही आएगा, अच्छा, और दूसरा नहीं आएगा, ख़त्म। तो ये क्वेश्चन और ये उसका ग्राफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप लोगों का क्या RLVP। अच्छा चलिए आ जाओ RLVP में। अब RLVP के बारे में क्या कहना है, देखो RLVP की तो सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ से, द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड RLVP। ये क्वेश्चन बना लेना, ये उसका डिफाइन सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। उसके बाद RLVP का कम से कम इतना फॉर्मूला तो तुमको लिखते आना चाहिए, नीचे में 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, जिस तरीके से नोट्स कॉपी में लिखवाया है वैसे लिखोगे तो भी चलेगा, ये इतना, ये RLVP के डिफाइन के फॉर्मूले में है ना। अब लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस क्वेश्चन है, ये तो कई बार बोर्ड्स में आया है ये सवाल, कई बार उसमें ये पूछा जाता है कि पहले तो बड़ी प्यार से पूछेगा तुमको डिफाइन RLVP, और उसके बाद तुमसे बोलता है कि शो दैट, ये शो करके दो कि जो RLVP होता है वो आपका इक्वल टू होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब मैंने कैसे ये चीज़ तुम लोगों को बहुत ही प्यार से फॉर्मूले के शॉर्ट में लिख कर दे दी, यही चीज़ तुमको हो सकता है कल को स्टेटमेंट के फॉर्मूले में दिख दी जाए कि जैसे शो दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आया तो RLVP को डिफाइन कर देना, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन की मैं मार्किंग बता रही हूँ, पॉइंट नंबर 1 ये लिखोगे, पॉइंट नंबर 2 ये लिखोगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अब देखो बुक वाले ने डायरेक्टली लिख दिया है, डायरेक्टली एकदम कि ये वाली क्वांटिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन बराबर ये डायरेक्टली लिख दिया, एकदम डायरेक्टली। अच्छा, अब हम लोगों को लेकिन शो दैट करना है तो हम तो इतना डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो तुमको मैंने पढ़ाया है। अच्छा, अब इसमें नोट्स हैं क्या हमारे पास, नहीं नोट्स यहाँ डिलीट हो गए होंगे, उनको देख लें दो एक मिनट, ये रहा नोट, ठीक है। देखो इस नोट से मैंने प्रूफ करवाया है, ठीक है, कि किस तरीके से वो मोल फ्रैक्शन के बराबर आता है। सिर्फ ये नहीं कह दिया कि हाँ वो मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है रट लो, उसने प्रूफ करवाया है। ये देखो पूरे यहाँ से, ये देखो दिख रहा है, ये प्रूफ करवाया है मैंने कि जो पी टोटल है वगैरह 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 ये पूरा कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो जो मैंने वीडियो में प्रूफ करवाया है ना, उसी प्रूफ को यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है बट आपको ये लिखना है, ये टेक्स्ट बुक में उसने सिंपली क्या लिख के दे दिया है, फॉर्मूला लिख के दे दिया है, तो वो मत करना, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि RLVP एक कोलोगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये तुमसे MCQ में पूछा जा सकता है या फिर ट्रू और फॉल्स में। तो आज की मार्किंग जब ख़त्म हो जाएगी तो एक हेडिंग देना नोट्स, और उस हेडिंग के बाद ये लिख देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये तो ऊपर वाले से भी ज़्यादा पूछा गया है, और बल्कि ऑलमोस्ट ये तो पहले बोर्ड्स वालों का फेवरेट सवाल हुआ करता था, हर दूसरे तीसरे साल ये लोग पूछते ही रहते थे इस सवाल को, ऑलमोस्ट पूछते ही रहते थे। इसमें क्या करना है कि जो RLVP का फॉर्मूला है उसको मोलर मास के टर्म्स में लाना है, ये भी हमने सीखा है ऑलरेडी, बस एक बार कर लेते हैं। तो देखो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक्सप्रेस
या फिर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, या तो देखो ये शो दैट करने को बोल देता है सीधा सीधा, या तो ऐसा बोलता है कि एक्सप्रेस आरएलवीपी इन टर्म्स ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, आरएलवीपी और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्रेस करो। तो क्वेश्चन तुम लिख लेना कि एक्सप्रेस आरएलवीपी इन टर्म्स ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ओके। अच्छा, और उसके बाद अब इसको प्रूफ करने की बारी आएगी। तो कैसे करेंगे इसको प्रूफ, देखो इसको ऐसे प्रूफ करेंगे कि हाँ, जो आरएलवीपी होती है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है। ये जितना मैंने अभी पिंक कलर से मार्किंग की, इसको बना लेने का अपना पॉइंट नंबर वन, डन, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को मैंने मोल फ्रैक्शन 11th में भी पढ़ाया है, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मोल फ्रैक्शन की प्रैक्टिस भी ली है। तो आई डोंट थिंक कि तुम में से कोई पगला ऐसा है जिसको मोल फ्रैक्शन के बारे में नहीं आइडिया है। खैर, अब देखो मैं हमेशा कैसे लिखती हूँ, मैं हमेशा ऐसे लिखती हूँ, एक्स सॉल्यूट, और ऐसे लिखती हूँ एक्स सॉल्वेंट। मतलब मैं कभी 1, 2, A, B ऐसे सिंबल्स का जनरली प्रयोग नहीं करती हूँ। मतलब मैं सॉल्यूट है तो सॉल्यूट लिखती हूँ, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट लिखती हूँ। बट जो बुक वाले होते हैं, ये जो उनके लिए जो ये वर्ड होता है टू, ये जो टू वर्ड होता है, ये टू वर्ड वो किसके लिए यूज़ करते हैं, ये टू वर्ड वो लोग यूज़ करते हैं सॉल्यूट्स के लिए, और जो वन वाला सब्सक्रिप्ट रहता है ना वो यूज़ करते हैं किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। तो देखो तुम मेरे पीछे नोट्स को एक बार देखो, मैंने हर जगह कहीं भी 2, 1 ये सब भाषा का प्रयोग नहीं किया। चेक करो, ये देखो मैं हर जगह लिखती हूँ कि वो सॉल्यूट के बारे में लिख रही हूँ कि सॉल्वेंट के बारे में लिख रही हूँ, मैं हमेशा लिखती हूँ 1, 2, 1, 2, 1, 2 वाला मैं गेम नहीं खेलती हूँ। तो ऐसे में अगर तुम भी वैसे ही हो तो तुम चाहो तो उस तरीके से लिख सकते हो, बट अगर नहीं तुम्हें ये अच्छा लगता है कि मैडम हम वन मतलब हमारे लिए हो जाएगा सॉल्वेंट और टू का मतलब हम लोगों के लिए हो जाएगा सॉल्यूट, तो तुम इस तरीके से बुक की लैंग्वेज को प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज नहीं तो तुम यहाँ पे टू वगैरह ये सब वर्ड हटा के सॉल्यूट सॉल्यूट लिखते जाओ, चॉइस आपकी है, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। तो खैर यहाँ पे एक्स टू का मतलब सॉल्यूट है और वन का मतलब सॉल्वेंट है। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मोल फ्रैक्शन का सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया। मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिख रहे हो तो मोल्स न्यूमरेटर में सॉल्यूट के होंगे और डिनोमिनेटर में टोटल्स होंगे। तो ये हो गया पॉइंट नंबर टू, ठीक है। पॉइंट नंबर टू में ही आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि N1, N2 वहाँ पे मोल्स हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के रिस्पेक्टिव, ये पॉइंट नंबर टू में ही आता है। फिर जब मैंने पढ़ाया भी था तब भी मैंने तुमको बताया था कि जब हम लोग आरएलवीपी के फॉर्मूले को लिखते हैं, तो देखो आरएलवीपी का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये बताया था मैंने। हाँ, फिर मैंने तुमको एक फॉर्मूला और बताया था कि देखो हम लोग अगर इस तरीके से आरएलवीपी की जगह मोल्स पुट करें और फिर ये अज्यूम करें कि सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, पूरा सॉल्व वगैरह करें, तो उसमें फॉर्मूले में चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है फाइनली चेंज, आपका पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी ओ नॉट ना रहकर वो क्या हो जाता है, पी एस हो जाता है। याद आ रहा है, बताया था पूरा डिराइव करवाई वाली चीज़। अब देखो बुक में इस चीज़ को कैसे डिराइव करवाया गया, थोड़ा शॉर्ट में, कि हम ये अज्यूम करते हैं, ठीक है, कंसीडर कि जो हम जिस सॉल्यूशन के साथ हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये उसने बोल दिया, ठीक है। अगर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो आप लोगों के पास ये वाली कंडीशन वैलिड होगी, डाइल्यूट मतलब पानी बहुत ज़्यादा है या फिर सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में N1 बहुत ज़्यादा होगा और N2 बहुत कम होगा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर तीन। और ऐसे में आप जो X2 का फॉर्मूला है N2 अपॉन N1 प्लस N2, इस फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर में N2 है आप उसको इग्नोर करके सिर्फ N1 लिख सकते हो। अगर तुम्हारे बैंक बैलेंस में 10 करोड़ है और मैं अगर तुम्हें 10 पैसे दूंगी तो 10 पैसे से कोई फर्क पड़ेगा क्या तुमको, नहीं पड़ेगा ना, तुम इग्नोर कर दोगे 10 पैसे को। तो वही हमने किया है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया आप लोगों का पॉइंट नंबर चार, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर चार डन हो गया, ओके। अब उसके बाद N2 और N1 क्या है, मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला पूरी दुनिया जानती है, क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो वही देखो किया जा रहा है, N2 की जगह क्या लिखा जा रहा है, W2 बाय M2, और N1 की जगह क्या लिखा जा रहा है, W1 बाय M1, ठीक है। अच्छा, ये आपको अपना पॉइंट नंबर पाँच बनाना है। लेकिन इस पॉइंट नंबर पाँच को बनाने के बाद वहाँ नीचे लिखना वेयर, वेयर W2 का मतलब ये, W1 का मतलब ये, M2 का मतलब ये, M1 का मतलब ये, कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, लिख लोगे बस। उसके बाद यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है, पॉइंट नंबर छः, पॉइंट नंबर छः, पॉइंट नंबर सात, गेम ख़त्म।
हाँ तुम्हें थोड़े से इक्वेशन नंबर देखो बिल्कुल देने पड़ेंगे कि पुटिंग दिस वैल्यू दिस 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 इस टाइप का कुछ इक्वेशन नंबर देना पड़ेगा. जैसे इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर टू. तो यहाँ पे ये लिखना ज़रूर कि पुट टू इन इक्वेशन नंबर वन, ये इस तरीके से इतना तुम्हें ब्रेन लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो मैंने आपको डेरिवेशन बताया है ये बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है, कई बार मतलब कई बार. खैर नेक्स्ट में आते हैं बॉइलिंग पॉइंट. सबसे पहले तो आपसे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पूछेगा. ठीक है, अच्छा तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जहाँ पर आप लोगों के वेपर्स के द्वारा लगने वाला प्रेशर और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. तो इक्वल टू द अप्लाइड प्रेशर की जगह यहाँ पे वर्ड क्या लिख देना, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, इक्वल टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बराबर, नीचे तुम्हारी बुक में लिखा हुआ भी है कि अप्लाइड प्रेशर का मतलब एटमॉस्फेरिक है, बट स्टिल यहाँ तुम वही लिखोगे. ये यहाँ पे डिफाइन बन गया किसका, बॉइलिंग पॉइंट का. ठीक है, अब तुमको बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपने कंटेनर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता था वो तो कम हो जाता था, ये तो मानते हो, अभी अभी ऊपर डिस्कस करके आए, बट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. ठीक है, बराबर. तो ये जो लाइन है ना कि द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइल एट टेम्परेचर हाइयर, ठीक है, ये आप लोगों को ट्रू फॉल्स के लिए या फिर वन मार्क के क्वेश्चन के लिए या फिर MCQ के लिए सीधे सीधे पूछी जा सकती है कि क्या असर पड़ेगा अगर हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं. तो आपको पता होना चाहिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में डिक्रीज में देखने को मिलता है और सॉल्यूशन के जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है और फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज देखने को मिलता है. टोटल अभी तक हमने तीन कोरिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ी ना, ठीक है, उन तीनों में आपको पता होना चाहिए किस में इंक्रीज हो रहा है और किस में ये क्वांटिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, चलो आगे. अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिस्कस इट इन डिटेल. 3 to 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है सीधा सीधा. तो अगर ऐसा आया क्वेश्चन, मैंने लिखा नहीं है वो तुमको लिखने को मैंने छोड़ दिया है. खैर पहले तो व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसको समझते हैं. अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने को आ गया कि डिफाइन डेल्टा TB है ना, या फिर इस तरीके से एलिवेशन इन BP इस तरीके से, तो कैसे डिफाइन करेंगे फिर आप इसको बताइए. तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ से पहले यहाँ तक कि लेट, एक मिनट ये कलर अच्छा नहीं है, लेट आप लोगों का P0B इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ये लिख देना अपना पॉइंट नंबर वन. ठीक है, अच्छा उसके बाद पॉइंट नंबर टू ये लिखना कि व्हेन नॉन वोलेटाइल, अच्छा नॉन वोलेटाइल के अलावा ये एक और कंडीशन होनी चाहिए, कैसी, नॉन आयोनाइजेबल है ना. हम लोग हमारे पूरे बोर्ड्स में कौन सा केस मान के चल रहे हैं, जब आपका कंपाउंड ना तो एसोशिएट होगा ना डिसोशिएट होगा. नॉन आयोनाइजेबल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट में आप वो ऐड कर दोगे तब ऐसे केस में ये चीज़ होगी, ये लिखना यहाँ पर. तो ये होगा पॉइंट नंबर टू. फिर एक्चुअल में तुम्हारा मेन पॉइंट शुरू होता है यहाँ से, द डिफरेंस बिटवीन से लेकर ये पूरा, ये एक्चुअल में तुम्हारा पॉइंट नंबर थ्री है और यही तुम्हारा मेन डिफाइन है. बट इस मेन डिफाइन तक पहुंचने से पहले ये ऊपर की कहानी तुम्हें लिखनी होगी. ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नेक्स्ट. जैसा कि मैंने बताया कैसे पूछेगा, सबसे पहले तो पूछ लेगा डिफाइन डेल्टा TB, तो वो तो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ. ठीक है, फुल स्टॉप में बोल देगा एक्सप्लेन इट इन डिटेल. अब एक्सप्लेन इट इन डिटेल का मतलब सब कुछ आ गया, उसका ग्राफ भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया. तो पहले तो ऊपर में जो तुमको डेल्टा TB का मैंने बताया है प्रवचन, वो प्रवचन तो तुम पहले वैसे का वैसे ही लिख डालना, उसमें कोई कंजूसी मत करना. ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ.
समझा मैं चुकी हूँ, सिर्फ मार्किंग करा रही हूँ मैं अभी। तो अभी मार्किंग के लिए कैसे करेंगे, वो पॉइंट नंबर 3 तक काम हो गया। पॉइंट नंबर 4 कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट आर प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज शोन बिलो। मतलब हमने प्रेशर और टेम्परेचर के वर्से से ग्राफ प्लॉट किया और वो ग्राफ आप देखिए, ये पॉइंट नंबर 4 और ये ग्राफ है आपका पॉइंट नंबर 5। अब आपका जो एग्जामिनर है आपको उसको ये ग्राफ समझाना है। आपको अगर 760 mm लिखना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसकी जगह 180 mm भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे 760 mm ऑफ HG लिखना चाहिए, ऐसा से mm लिख देना सही नहीं होता है, वो थोड़ा बुक को समझना चाहिए था। खैर आगे ग्राफ प्लॉट करने के बाद क्या देखोगे आप, ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम ये देखेंगे कि मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया है कि हमेशा जब आप वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए प्लॉट करो, चाहे डिप्रेशन के लिए प्लॉट करो, सॉल्यूशन का कर्व हमेशा नीचे आता है। क्यों नीचे आता है, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोलो क्या होता है, कम होता है ना। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अच्छा बिल्कुल। अब देखो इसमें हमको जो एग्जामिनर है उसको ये नहीं समझाना कि क्यों कर्व नीचे आता है, क्योंकि उसने हमको समझाने का हमारा काम ही नहीं है, हमको तो एलिवेशन समझाना है बस। तो आपको यहाँ से लिखना है कि द वेपर प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर कर्व ऑफ सॉल्यूशन लाइज बिलो दैट ऑफ सॉल्वेंट। ये आ गया आपका पॉइंट नंबर 6। उसके बाद द डिफरेंस से लेकर यहाँ तक, द डिफरेंस बिटवीन टू वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, एक मिनट रुको, हाँ यहाँ से ये पॉइंट नंबर 7 कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आप लोगों का जो ये डिफरेंस है ये भी इंक्रीज होगा। ये मैं कह रही हूँ क्या, नहीं, ये मैंने आपको समझाया है ग्राफ के वाया कि अगर मान लो इससे नीचे अपन एक और कर्व ले लेते हैं तो फिर वो डिफरेंस तो और शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ये चीज ऑलरेडी आपको समझाई हुई है बराबर, ठीक है ना, ठीक है, ये चीज आपको ऑलरेडी समझाई हुई है। अच्छा अब देखो लास्ट ईयर तक कैसा होता था, आपकी जो बुक थी वो इस तरीके से पूरा डेरिवेशन नहीं करवाती थी, वो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिख देती थी डायरेक्टली। लेकिन इस साल देखो उसने पूरा एक्सप्लेन करवाया है कि किस तरीके से डेल्टा टीबी मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल आ रहा है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो डेल्टा टीबी प्रेशर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। फिर अब इसको डिराइव कैसे करें, तो अब देखो इसको डिराइव करने के लिए ये जो बुक की लैंग्वेज है ना, इस बुक की लैंग्वेज में हमको नहीं जाना है, हम लोगों को सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट में चीज़ें मार्क करनी है और बात ख़त्म करनी है, ठीक है। देखो क्या मार्क करेंगे हम लोग, फिर ये लिखेंगे आपका पॉइंट नंबर 8 कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इस तरीके से है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 8। उसके नीचे एक्सप्लेन करना एम का मतलब है मोलैलिटी, बस ख़त्म बात, ठीक है, एम का मतलब है मोलैलिटी, डन हो गई कहानी। इतना एक्सप्लेन करना है और हमारी जी का जंजाल ख़त्म। लेकिन इतने में तो मैडम ये आपने ग्राफ को कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया, आपको तो ग्राफ को भी एक्सप्लेन करना चाहिए था, बिल्कुल ग्राफ को भी एक्सप्लेन करना चाहिए था। तो अब देखो जो पॉइंट 7 है, पॉइंट 7 के नीचे हम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अब वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, देखो जो मैं मार्क कर रही सिर्फ इतना देना कि जो इंटरसेक्शन है कर्व CD का विथ लाइन करस्पॉन्डिंग टू 760 mm इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये पहला लिख देना, ठीक है। अच्छा फिर लिखना द सिमिलर इंटरसेक्शन ऑफ कर्व AB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट द ये सॉल्यूशन का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, बस इतना खत्म। अच्छा लगे तो इसके पॉइंट्स बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसे कर लो पॉइंट नंबर 8, यहाँ से यहाँ तक कर दो पॉइंट नंबर 9, यहाँ से यहाँ तक कर दो पॉइंट नंबर 10 और एक काम करो इसको कर दो पॉइंट नंबर 11, डन। ये एलिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ आपको पूछी जाएगी, ठीक है। फिर ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सॉल्यूशन डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, फिर उसको और मेहनत करने की पड़ेगी ऊपर, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, एग्ज़ाम में आपको इतना ना समझाना है ना कुछ करना है, ठीक है ना। अच्छा अब एक और चीज़ क्वेश्चन पूछी जाती है, ये यूनिट ऑफ KV, इससे तो आपको 1 mark का क्वेश्चन, MCQ वगैरह वगैरह क्या क्या पूछा जा सकता है, तो ये आपको क्वेश्चन बना के लिखना है, ठीक है। अच्छा अगेन आपसे पूछा जाता है डिफाइन, अलग से डिफाइन इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये आपसे डिफाइन पूछ लेगा। और अगर डिफाइन पूछ लिया तो डिफाइन लिखोगे कैसे,
कि इब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रोड्यूस बाय वन मोलर सॉल्यूशन, यानी कि अगर मोलैलिटी को इस फॉर्मूले में अगर मोलैलिटी की वैल्यू 1 रख दी जाए तो डेल्टा टी बी और के बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बस उसी को हम कहेंगे के बी की वैल्यू, ठीक है। तो ये डिफाइन के बाद ये वाला फॉर्मूला लिखोगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है इब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट करके पूछे, इब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट की जगह इसका एक नाम और है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये तीनों नाम है। तो इस तीनों नामों में से वो कोई भी नाम लेकर आपसे डिफाइन पूछ सकता है, तीनों में से कोई भी, तो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है, बस ख़त्म। अच्छा, और इसको नोट में लिख लेना जो मैंने कहा था, मार्किंग ख़त्म होने के बाद एक हेडिंग डाल देना, नोट वगैरह, है ना, ठीक है, ओके। अब उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि जो हमने डेल्टा टी बी का फॉर्मूला निकाला, उस डेल्टा टी बी के फॉर्मूले को देखो, वो वेट के टर्म्स में ला रहा है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो मैं कहूँगी डेरिवेशन है ही नहीं, ये तो बहुत आसान है। कैसे, देखो, आपको डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम का फॉर्मूला पता है, पॉइंट नंबर वन। क्या आपको m का मतलब पता होता है? हाँ, हम जानते हैं m का मतलब होता है मोलैलिटी। क्या तुम्हें मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल, मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला, बिल्कुल, दिस इज योर पॉइंट नंबर टू। अब आपको अगर मैं बोलूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल के दो, तो क्या आप मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल के दे देंगे? हाँ, दे देंगे। कैसे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितना आ जाएगा, डब्ल्यू टू बाय एम टू, जहाँ पे W2 का मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। पॉइंट नंबर तीन, अगर मैं तुमसे कहूँगी कि W2 को तुमने मास ऑफ सॉल्यूट लिया है, तो बताओ W1 क्या है, तो तुम कहोगे कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, W1, लेकिन वो जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो तो ग्राम में है, तो ग्राम को फिर हमने किस में कन्वर्ट किया, kg में, डिवाइड बाय 1000 करके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। तो बस मोल्स की जगह मोल्स पुट कर दिए और आप लोगों के वेट की जगह वेट पुट कर दिया, तो यहाँ से हमको मोलैलिटी का क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। इस मोलैलिटी के फॉर्मूले को इस इक्वेशन नंबर वन में जाकर पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना कि पुट इक्वेशन नंबर फाइव इन इक्वेशन नंबर वन, बराबर। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी का ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर उसके बाद चाहे तो इस एक्सप्रेशन को तुम यहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है के बी को उधर, एम टू को इधर, बट क्वेश्चन पता है कैसा पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा जाता है हाउ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है, फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी कि डेल्टा टी बी के कंसेप्ट से कैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप डिटरमाइन करोगे। तो इसका मतलब वो आपसे एम टू यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसीलिए इस पॉइंट नंबर सिक्स पे अपने एक्सप्रेशन को छोड़ना अच्छा नहीं लगता, कि वहाँ पे छोड़ दिया उसको आवारा के जैसे, फिर आप उसको ना एक बार थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। रीअरेंज करने में मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई तकलीफ होगी, सादी गणित है। अगर मैं लिखूंगी 3x इक्वल टू 2, तो मैं x की वैल्यू ये भी तो लिख सकती हूँ 2 अपॉन 3, क्या इसमें कोई बहुत बड़ी आइंस्टाइन वाली मैथमेटिक्स लगी क्या? नहीं ना, एम टू को वहां ले गए, डेल्टा टी बी को नीचे ले गए, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि हाउ विल यू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ डेल्टा टी बी, ये जनरली इसी तरीके से पूछा जाता है। तो ऐसे केस में आपको वो जो पॉइंट नंबर सिक्स है उस पर अपना आंसर नहीं छोड़ना है, पॉइंट नंबर सिक्स के बाद उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके नीचे जरूर लिखकर जाइए, बराबर, ठीक है। बल्कि आप जितनी भी आगे पढ़ेंगे ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, उसके मोलर मास के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। हमने ऊपर आर एल वी पी वाले को भी किया था, जिसमें अज्यूम किया था कि हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, तो वो देखो आपको करना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसकी मार्किंग मैं फिलहाल अभी यहीं तक करा के दूंगी, ठीक है, फिर आगे की मार्किंग जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे तब उसमें रहेगी, फिलहाल अभी वाली मार्किंग इतनी। देखो सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट, डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कल ही पढ़ाते वक्त बताया है कि फ्रीजिंग पॉइंट उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं
जहाँ पे वेपर प्रेशर लिक्विड का और सॉलिड का आपस में इक्वल हो जाए। तो ये हो गया क्वेश्चन किसका, डिफाइंड फ्रीजिंग पॉइंट का, खत्म। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है, ये वर्ड से आपको सीधा सीधा ट्रू फॉल्स एमसीक्यू वन मार्क क्वेश्चन कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है। एनीथिंग मींस एनीथिंग। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, इसको नोट में लिख लेना। नोट यानी कि अभी जब मैं मार्किंग खत्म करवा दूंगी, अभी अभी इस वीडियो की, तो मार्किंग वीडियो की खत्म होने के बाद क्या करोगे, हेडिंग डालना नोट, और जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ नोट में लिख देना, नोट में लिख देना, उसको सही में जाके वन नंबर टू नंबर डालकर नोट में लिखना, ठीक है। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। तो कैसा है, आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आने की वजह से क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ। जैसे आपको ये मुंह जमानी रटा हुआ होना चाहिए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आने की वजह से जो सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो घट जाता है, जो एलिवेशन मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वो बढ़ जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है। ये आपको मुंह जबानी रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये वही पॉइंट है कि अगर मैं कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दूं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आ जाने की वजह से जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। यानी कि पहले वो जिस टेम्परेचर पे फ्रीज कर रहा था, अब वो उस टेम्परेचर पे फ्रीज ना करते हुए उससे भी और कम टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा, ठीक है। मैंने बोला भी था घर पे, तुम चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाएगा, डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ को डिफाइन करिए, है ना। पूरा स्पेलिंग लिखना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तब कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो सबसे पहला पॉइंट ये कि लेट टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का और ये सॉल्यूशन का, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू लिखना कि जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेते हो तब इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है। पॉइंट नंबर तीन यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म होगा, और ये बन गई आप लोगों की डेफिनेशन। खैर वैसे तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट वाला टॉपिक भी पढ़ चुके हैं, मैं नीचे की मार्किंग भी करवा सकती हूँ, बट अभी उसको नहीं करते हम लोग, बाद में करेंगे। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और या तो तुम ये वीडियो पहले देख रहे होगे, या तो तुम ये वीडियो बाद में देख रहे होगे, तो जो भी है ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो खैर इसकी भी मार्किंग की जा सकती है वैसे तो। बट ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस पढ़ने के बाद फिर आपका एक टॉपिक बचता है, वेंट हॉफ फैक्टर। जैसा कि मैंने कहा वो तुम्हारे बोर्ड्स में इस बार उतना डिटेल में नहीं है, लास्ट टाइम तक था, फॉर्मूलेज वगैरह उतने थे, बट इस बार उतना डिटेल में नहीं है, बहुत ही कम है, लिमिटेड है। मतलब सिर्फ इतना है कि वैल्यू बता दी गई है, बस बात खत्म। तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो मैं तुम लोगों को जो पहले फॉर्मूले नहीं लिखवाई हूँ, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के वी एम, समझे मैं क्यों तुमसे आई 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 पहले से लिखवा रही थी, क्योंकि आई होता है इसीलिए तुमको पहले से लिखवा रहे थे। खैर तो अभी